यहां पर यूज है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका यूज आपको कहां करना है? इसका यूज करना है इन द सेंस ऑफ जहां पर बात हो या जाता है का सेंस आए, है ना, या जहां पर सेंस आए ये जाती है, या जहां पर सेंस आए ये जाते हैं, वहां पर आपको यूज करना है इज एम आर में से किसी का एक यूज करना और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। क्लियर है? इतना समझे? अच्छा, ये तो पता है कि इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और एम का यूज होता है आई के लिए, और आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही सी इट और वन नेम आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आई के साथ तो एम आता है, तो दे यू बी टू नेम और मोर देन टू नेम आता है। क्लियर है? समझ में आया? जैसे मैं कहूं कि जो गणतंत्र दिवस है यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, क्लियर है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे देखा जाए, अगर मैं पूछ लूं कौन सा टेंस है इसमें, तो इसमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस आर एस या ओनली फर्स्ट फॉर्म, वो नहीं अप्लाई होने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एक्चुअली ये पैसिव वॉइस वाला है, या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं जब रहे, तो वहां पर किसका यूज करना है? इज एम आर में से किसका एक यूज करना है। जैसे यहां बात किसकी हुई है? गणतंत्र दिवस की, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? रिपब्लिक डे। क्लियर है? यहां आप द लगा दीजिए, द रिपब्लिक डे। अब देखिए, रिपब्लिक डे ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, प्लूरल सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर साथ क्या लगता है? एस, तो ओ सॉरी इज, एस नहीं इज लगता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक डे इज। अब देखिए, हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। अब बताए, मनाना की इंग्लिश क्या होती है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्या होती है? सेलिब्रेट। बट हमको किसका यूज करना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलिब्रेटेड। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। अब देखिए, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑन 26 जनवरी। क्लियर है? ऑन 26 जनवरी। अभी समझ में आया? क्लियर है? यहां समझ में आया? अच्छा, यही अगर ये प्लूरल होता तो हम किसका यूज करते? आर का यूज करते। आई होता, जैसे अगर मैं कह दूं मुझे, है ना, मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो अभी यहां मुझे की इंग्लिश आई होगी, और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। तो आई एम और पीटना की इंग्लिश बीट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटन। तो आई एम बीटन, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। समझ में आया? बोलो, इतना क्लियर है ना? ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट के केस में। अब प्रश्न आता है, अगर यही पास्ट का सेंस आ जाए तो वहां किसका यूज करना है? मतलब अगर कहीं ऐसा सेंस आ जाए, या जाता था, पास्ट वाला सेंस आ जाए, है ना, या जाता था, या सेंस आए ये जाती थी, या जो इसको ई ऐसे लिख सकते हैं, ई जाती थी, है ना, ये जाती थी, है ना, या जो है ये जाते थे, इस तरह से, जैसे मुझे पीटा जाता था, ऐसा सेंस आ जाए, ये जाते थे, पास्ट का सेंस आ जाए, है ना, पास्ट का सेंस आ जाए। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या गया, जैसे उसे पीटा गया, है ना, ऐसा भी सेंस आ सकता है, या गया। क्लियर है? सेंस कैसा आ जाए? या गया। क्लियर है? या मान लीजिए इसका सेंस ऐसे आ जाए, ई गई, है ना, उसे मार दिया गया, है ना, ई गई, वो भाग गई, इस तरह से, वैसे वो भाग गई, अलग सेंस में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आ गया, है ना। या जो ऐसे आ जाए, ये गए, जैसे उसे पीटे गए, है ना, और ई गई, उसे उसकी पिटाई की गई, है ना, ये गए, अगर ऐसा सेंस आ जाए तो भी वहां पर क्या, अब पास्ट के लिए क्या करेंगे? वाज वर कर दो, है ना, वाज या वर के साथ में क्या कर दो? थर्ड फॉर्म लगा दो। वाज या वर के साथ में किसका यूज कर दो? थर्ड फॉर्म का यूज कर दो, है ना। अभी एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कह दूं मुझे पीटा गया, है ना, या मुझे पीटा जाता था, मैं
दो तरीके से बोल सकता हूँ, चाहे मैं बोलूँ मुझे पीटा गया, या गया, आ का मात्रा आ गया ना, और या मुझे पीटा जाता था। अब ये देखिए पास्ट की बात आ गई तो क्या होगा, आई एम नहीं, एम तो प्रेजेंट के लिए आएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई वाज, क्योंकि एक साथ वाज लगेगा, आई वाज बीटन, मुझे पीटा गया। अच्छा समझ में आया, इतना समझ में आया। एक मैं पूछूं, अगर मैं कह दूं कि बताओ दिवाली इस बार कब मनाई गई थी, याद है दिवाली इस बार कितने तारीख को थी, दिवाली दिवाली 23, हाँ 23 यानी कि 23 को। अब 23 क्या था, अक्टूबर नहीं था, नवंबर, नवंबर भी नहीं था तो क्या था, सितंबर, अक्टूबर था, मान लेते हैं, ठीक है मानने में क्या है ना, दिवाली 23 अक्टूबर को, क्लियर है, अक्टूबर को मनाई गई, क्लियर है, दिवाली 23 अक्टूबर को मनाई गई, या दिवाली 23 अक्टूबर को मनाया जाता था, है ना, मनाया गया, क्लियर है, दिवाली 23 अक्टूबर को मनाया गया। अब यहाँ देखिए दिवाली की इंग्लिश हो गई दिवाली या दीपावली, है ना, दिवाली। अब देखो यहाँ मनाया गया, ई गई आ गई, या मनाया गया, या गया आ गया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिवाली सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ क्या लगेंगे, वाज, दिवाली वाज, और मनाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेलिब्रेटेड, दिवाली वाज सेलिब्रेटेड, और 23 अक्टूबर को तो क्या हो जाएगा, ऑन 23 अक्टूबर, क्लियर है, ऑन 23 अक्टूबर, तो ये हो गया आपका इंग्लिश, समझ में आया। अच्छा अगर यही सेंस फ्यूचर का आ जाए, यही बात किस में हो, फ्यूचर में हो, देखिए अगर यही बात फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर का मतलब कुछ ऐसा आ जाए जैसे या जाएगा, है ना, या जाएगा, या जाए, ई जाएगी, ई जाएगी, क्लियर है, या जाए, ये जाएंगे, मतलब ऐसा सेंस आ जाए लेकिन वहां काम करने वाला ना हो। अभी एग्जांपल से देखो, जैसे मैं कह दूं तुम्हें सूचना दे दी जाएगी, तुम जाओ आराम से जाओ, ठीक है, परेशान ना हो, तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तुम्हें सूचना दे दी या दे दिया, है ना, जाएगा, तुम्हें सूचना दे दिया जाएगा। अब बताइए यहां पर आ गया कि नहीं, ई जाएगी, आ गया ना, क्या जाना की इंग्लिश गो एंड गॉन लिख सकते हो, नहीं, तो अभी यहाँ फ्यूचर, अब ये फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए क्या कर देना, विल बी का यूज कर देना, फ्यूचर के लिए क्या करना, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना, है ना, आई और बी के साथ सेल भी कर देना, बाकी मॉडर्न में विल बी का ही यूज होगा, तो आप विल बी ही करो, है ना, फ्यूचर के साथ क्या कर देना, विल बी, जैसे उन्हें सूचना दे दी जाएगी तो उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी, उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, दे, और यहां पर देखिए दे के साथ हर कोई के साथ विल बी लगेगा, तो दे विल बी, और सूचना देने को बोलते हैं इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, है ना, ईडी लगा दो, इन्फॉर्म्ड, दे विल बी इन्फॉर्म्ड, समझ में आया, हाँ बोलो क्लियर है। जैसे अब मैं कहूं अब क्या किया जाएगा, अब ये तो कंप्लीट हो गया जो मैंने पढ़ाया, हाँ ये कंप्लीट हो गया, तो अब बताओ अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, मैंने बोला था अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो उसकी इंग्लिश पहले लिखनी है, तो यहाँ क्या, क्या से शुरू नहीं है बल्कि क्या बीच में है, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट, है ना, तो व्हाट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो विल, है ना, व्हाट विल, और यहाँ बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, व्हाट विल बी डन, इसका मतलब क्या किया जाएगा, और अब, आपका मतलब नाउ या राइट नाउ, व्हाट विल बी डन नाउ, अब क्या किया जाएगा, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, व्हाट विल बी डन नाउ, ये थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, आ जाएगा। एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ इन सबका, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर या जाता है, ये जाती, ये जाते हैं, ऐसा सेंस आए, जहां पर जाना की इंग्लिश ना लिख सको गो बेंट कौन में से, है ना, तो वहां पर इजेमआर प्लस थर्ड फॉर्म का करना है, जैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, है ना, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन, लेकिन अगर ये पास्ट की बात आ जाए तो वहां वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना, है ना, जब या जाता था, ई जाती थी, ये जाते थे, या गए, ई गई, ये गए, जैसे मुझे पीटा जाता था, है ना, या मुझे पीटा गया, मेरी पिटाई की गई, तो आई वाज बीटन, दिवाली
23 अक्टूबर को मनाया गया तो क्या हो जाएगा, दिवाली वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd अक्टूबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट है या जाएगा, ऐसा सेंस आ जाए, या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे, है ना। तो वहां पर फ्यूचर के लिए क्या कर देना, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना। जैसे तुम्हें सूचना दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे उन्हें, अरे तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू होगी ना, तो तुम्हें की इंग्लिश यू होगी तो क्या हो जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, है ना। अब क्या किया जाएगा, है ना, व्हाट विल बी डन नाउ, अब तुमसे सुना जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके okay?